हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वंस अगेन वी कम विद अ न्यू वीडियो अबाउट कट ऑफ। सबसे पहले वीडियो हमने डाला था कट ऑफ के बारे में, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने JNU के कट ऑफ को पार्टिकुलरली डिस्कस किया एंड आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास स्टूडेंट्स के कि मैम आउट ऑफ 800 मेरे इतने मार्क्स आए हैं, क्या मुझे स्टीफन कॉलेज मिलेंगे, क्या लेडी श्रीराम मिलेगा या हिंदू कॉलेज मिलेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस की कट ऑफ लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में काफ़ी डिफर करता है कट ऑफ। और इस बार कट ऑफ जैसे IIT के द्वारा आपका एग्ज़ाम हुआ था तो कट ऑफ आपका डिफर करेगा पिछले बार से। पिछले बार भी CUET था तो उससे ज़्यादा डिफर नहीं करेगा, बट उससे भी पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती थी वो मेरिट बेस्ड एडमिशन होती थी एज़ वी नो। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं उसमें कट ऑफ कितने जा सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। एवरेज कट ऑफ क्या हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कितने मार्क्स पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और कितने मार्क्स में कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। सो स्क्रीन पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एवरेज कट ऑफ 2023 में जो एक्सपेक्टेड एवरेज कट ऑफ जा सकता है वो जनरल के लिए 75% होगा, यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर का 75%। अगर किसी स्टूडेंट का 75% है तो वो कन्फर्म समझे अपना एडमिशन DU में, DU के नॉर्थ कैंपस में, क्योंकि DU के नॉर्थ कैंपस में कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75% जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जो एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है वो फुल मार्क्स 800 मार्क्स पे, जैसे कि BSc के स्टूडेंट है और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो फुल मार्क्स जिनका 800 है उनके लिए 75% जो है वो आपका है जो एवरेज कट ऑफ जा रहा है। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो 75% अगर लाते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट 600 मार्क्स ला रहा है आउट ऑफ 800, उसको अगर हम 100 से परसेंटेज निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद फुल मार्क्स से जब परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमारा कितना निकलता है 75%, यानी कि कोई स्टूडेंट अगर 600 ला रहा है आउट ऑफ 800 तो वो 75% सिक्योर कर रहा है एंड ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस। सो अगर आप 600 प्लस ला रहे हैं तो आपका नॉर्थ कैंपस में अच्छे कॉलेज में एडमिशन पक्का है। सो OBC 70%, SC ST 60, SC 65%, ST 63%, EWS 68% एंड PWD 45%। सो ये बेसिकली आपका एवरेज कट ऑफ है। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर एलिजिबल। आई थिंक आपको फॉर्म भरना चाहिए DU के पोर्टल में जा करके। जैसे कि हम सभी को पता है DU ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है UG के लिए। जो भी UG के स्टूडेंट हैं और वो मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं 400 प्लस भी, तो उनको फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि आपको कोई ना कोई कॉलेजेस मिल जाएंगे। DU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो आपको हमेशा होप रखना है कि नहीं आपको मिलेगा कॉलेज। सो डोंट वरी अबाउट दिस, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा, सबको मिलेंगे कॉलेज। इसलिए सो आज हम देखेंगे कि 2019 और 2020 में कितना कट ऑफ का डिफरेंस था। बेसिकली ये शो करने का एकदम मेन मकसद है मेरा कि ये शो करना कि आपका हर बार कट ऑफ इंक्रीज कर रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं बाद में भी। सो देख सकते हैं आज आप पहले लेडी श्रीराम का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा गया है वो 97.99% जिन स्टूडेंट्स का है, BA ऑनर्स के लिए 90%, यानी कि 90% एंड BSc के लिए 92%, BSc ऑनर्स के लिए 99% इसमें बी कॉम ऑनर्स का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, यानी कि इसमें बेसिकली DU में BCOM ऑनर्स एंड BCOM प्रोग्राम कोर्सेज एंड BA इकोनॉमिक्स की कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं। सो बेसिकली ये 97% है आपका, यानी कि 97% है आपका मार्क्स, समझिए 750 प्लस आपका मार्क्स होगा। उसी तरह गार्गी कॉलेज में भी देख सकते हैं आप 99 प्लस है, हंसराज कॉलेज में 98 प्लस है। बेसिकली इन सारे कॉलेजेस में 97 प्लस कट ऑफ जा रहा है सारे सब्जेक्ट को लेकर। BSc में कट ऑफ थोड़ा लो जा रहा है एज़ कम्पेयर टू BA ऑनर्स एंड BCOM ऑनर्स, यानी कि आपका 700 प्लस अगर है तो BA में आपका एडमिशन हो सकता है, 750 है तो आपका BA ऑनर्स में हो सकता है, 730 प्लस है तो BSc ऑनर्स में हो सकता है एंड BCOM ऑनर्स के लिए आपका कम से कम 750 प्लस होना चाहिए। तो ये सारे कॉलेजेस की कट ऑफ मैंने ये मेंशन कर दी है यहाँ पे, जैसे कि दौलत राम कॉलेज का 99,
सारे कोर्सेज के दिए गए हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये परसेंटाइल है, अगेन आई एम सेइंग यू दिस इज परसेंटाइल, नॉट योर एग्रीगेट परसेंटेज। सो इट्स योर परसेंटाइल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ योर नॉर्मलाइज स्कोर। सो आप जो आपके स्कोर कार्ड पे भी आपका एक परसेंटाइल दिया होगा, वहाँ पे जो दिखा रहा है आपका 91% 92%, यानी कि आप इतने लोगों को पीछे कर रहे हैं, इस डिनोटिंग इज रैंक। सो और भी कॉलेज है, भारती कॉलेज, भीमराव कॉलेज, दिल्ली कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स, सो इन सब के कॉलेज 95%+ जा रहे हैं, दैट मीन्स 720 और 700+। सो लेकिन आपको उम्मीद रखनी है, क्योंकि सारे कॉलेज में 700+ नहीं जाएंगे। नॉर्थ कैंपस में भी एडमिशन होंगे 650 पे भी एडमिशन होंगे, 700 पे भी होंगे, और 750 पे आपको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं ये सारे कट ऑफ मेंशन किए मैंने यहाँ पे, जितने भी कॉलेज हैं DU के 93% तक एडमिशन हो रहा है, दैट मीन्स 700+। सो आपको उम्मीद रखनी है, यानी कि अगर आप 650 भी ला रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल सकते हैं। तो यही सारे कॉलेजेस के कट ऑफ मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। स्टीफन्स का बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो स्टीफन का कट ऑफ हाई जाएगा थोड़ा, स्टीफन का कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली नहीं तो आपका 720+ ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्टीफन्स के लिए अप्लाई किया है। अब देखते हैं CUET में BSc कोर्सेज के कट ऑफ कितने जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने भी देखा और मैंने पिछले साल के कट ऑफ भी देखे, तो BSc का कट ऑफ एज़ कम्पेयर टू BA ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 65+ अगर जनरल में है स्टूडेंट तो एवरेज इतने ही कट ऑफ जाएगा। 65%+, दैट मीन्स कि आपका कट ऑफ 550+ होना चाहिए। OBC 60+, SC 50+, ST 50+, EWS 60+, PWD 45+। तो 550+, अगर आपका 540 भी है, 530 भी है, तो भी आप BSc के लिए भर सकते हैं। 400+ भी है तो आप BSc के लिए अप्लाई कर दें। अगर नॉर्थ कैंपस नहीं मिलेगा तो साउथ कैंपस मिल जाएगा, क्योंकि BSc में जो कट ऑफ है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा कम जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस BTech कट ऑफ। BTech में जनरल वालों के लिए 70+ कट ऑफ जाएंगे, एक्सपेक्टेड एवरेज कट ऑफ है ये भी। अगर नॉर्थ कैंपस आपको चाहिए तो 70+ आना चाहिए, 70+ दैट मीन्स कि आपका कट ऑफ 600+ है, तो आप BTech में एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यही है सो वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज देन यू कैन ऑल्सो गेट ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस कॉलेजेस, सो यू कैन फिल द फॉर्म। Okay, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel.